है शमशाद? ओके जी सर, बताना आ रहे हैं फ्रेम में? चलो आप बाहर साइलेंस के लिए बोल सकते हैं। साइलेंस बंद करो, सर पीछे जाओ, ठीक है? आप पीछे जाओ, टाइट कर लेना फ्रेम, इतना टाइट कितना टाइट है ना? आइए सर, रोलिंग। हाँ रोलिंग, फोकस शमशाद। सर सबसे पहले विशाल जी, आप स्टार्टिंग में होली की शुभकामनाएं देंगे अपने नाम के साथ। जी जब भी बोलिए, रेडी? हाँ एक मिनट, गिटार चल गया अभी था ना, बजा रहे थे उसके साथ। नहीं हाँ उसके साथ दो ना, अच्छा लगेगा। रोलिंग मस्ती के हम तो राग गाएंगे, हम खुशियां रब से मांग लाएंगे, बिखरे सुरों से गीत बना के, टूटे हुए ख्वाबों को सजा के, झूमो रे झूमो झूमरो मैं हूं विशाल मिश्रा और आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशाल जी, अभी हाल ही में जो मूवी आ रही है नोटबुक, जी काफी अच्छा म्यूजिक सराहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूंगा ऑडियंस का कि उन्होंने इतना प्यार दिया है म्यूजिक को, और सब कुछ स्क्रिप्ट के दरमियान हुआ है, तो इसके लिए सारा क्रेडिट जाता है स्क्रिप्ट को, क्योंकि सारे गाने, चाहे वो गाने हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो फिल्म में कुछ भी हो, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, और बहुत ऑनेस्टी से और ऑनेस्टी से गाने बनाए हैं, सारे विजुअल्स जो हैं सब कुछ, देर इज़ ऑनेस्टी इन एवरीथिंग, एंड आई थिंक वो ऑनेस्टी लोग रिलेट कर पा रहे हैं उससे, एंड मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सारे लोगों का जिन्होंने। सलमान की फिल्म में बहुत सारी बातें बनती हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, सलमान की फिल्म में कुछ खास अलग दिखाने की बात होती है, जो कहते हैं कि कैरियर पे बन जाती है, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? सर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सलमान सर से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे मेंटोर हैं सलमान सर। सलमान सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया है, ये मेरा उनका फोर्थ कोलैबोरेशन है, इससे पहले हमने रेस की थी, फिर उसके बाद आई थिंक हमने यमला मेरा आता रफ्ता किया, जिसमें रेखा जी और सोनाक्षी धर्मेंद्र जी सब थे, एंड ये मेरे आई थिंक हैज़ बीन द मोस्ट चेरिशेबल, द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी। सलमान सर के पास मेरी उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितने साल मुझे काम करते करते नहीं हुए, उतने जितने साल का मैं हूँ नहीं, उससे ज़्यादा साल से वो काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल टू बी अराउंड समबडी जिन्होंने इतना काम किया, और बहुत कंटेजियस सी एनर्जी होती है। इस फिल्म में प्रूफ करने वाली होती नहीं, इस फिल्म में कोई किसी को कोई प्रूफ कुछ प्रूफ करने के लिए काम नहीं कर रहा है, इस फिल्म में हमने काम किया है, एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी है जो कि कभी हुई नहीं है, जिसमें दो नए चेहरे हैं, एक बहुत खूबसूरत आला डायरेक्टर हैं, दो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं जिनका नाम है अश्विन वर्दे और मुराद कितानी, और तीसरे हैं सलमान खान साहब, तो इन सारे हम सब लोगों ने एक ऑनेस्टी से एक फिल्म बनाने की कोशिश करी है, एंड आई विल अर्ज पीपल, नॉट बिकॉज कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ, आप लोग प्लीज़ जाएँ और ये फिल्म 29 मार्च को देखें अपने थिएटर्स, जो भी आपके आस पास दूर भी हो तो भी जाइए। कितने गाने हैं और किसने? टोटल 6 गाने हैं सर फिल्म में, और बैकग्राउंड स्कोर भी मेरा ही है, एक गाना है नहीं लगता जो कि मैंने गाया है, और असीस कौर ने गाया है, जिसे लिखा है एक बहुत ही यंग सा लड़का है, उसका नाम है अक्षय, और फिर दूसरा गाना है बुमरो, वो लिखा है कौशल किशोर ने, उसको गाया है कमाल खान साहब ने, और तीसरा गाना है मैं तारे, जो कि गाया है सलमान खान सर ने, चौथा गाना है लैला, जो कि लिखा मैंने है और अभिंद्र उपाध्याय ने, और गाया है ध्वनि भानुशाली ने, और 5वां गाना है सफ़र, जो कि मोहित चौहान साहब ने और लिखा है कौशल किशोर ने, और 6ठा गाना है, एक गाना नहीं है जैसे किताब की बिब्लियोग्राफी होती है, उसको हमने नाम दिया है द नोटबुक सिम्फनी, इट्स अ 5-मिनट एपिलॉग, जो कि हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, कभी हुआ नहीं, हॉलीवुड में होता रहता है, तो वो है, और एक सच्ची कोशिश है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अभी तक जो भी रिलीज हुआ लोगों ने बहुत पसंद किया। सर सलमान के साथ काम करना लोग तरसते हैं, और कहीं ना कहीं एक मैंने आपको पहले भी सवाल पूछा कि कितना मुश्किल था यार सलमान की फिल्म है, हाँ। कुछ गलती ना हो जाए या फिर ये हो जाए, कितना मुश्किल था कि गाना चाहिए तो एक नंबर के, सलमान जी खुद भी काफ़ी मज़े हुए हैं, रुचि रखते हैं,
कि हर चीज़ में पकड़ जाते हैं थोड़ी गलती होगी, तो कोई ऐसा वाक्य शेयर कीजिए। सर सलमान सर के साथ काम करना सबसे आसान लगता है मुझे, क्योंकि मैं उनसे वो चीज़ें कह सकता हूँ जो मैं जिसे नहीं जानता हूँ उससे नहीं कह सकता, और बहुत ही फैमिलियर स्पेस में काम होता है, और उनका विजन बहुत करेक्ट होता है हमेशा। वो जो चीज़ें हमें बताते हैं, जो चीज़ें वो कहते हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है कि वो सही निकलती हैं एट दिन डॉक्टर डे। एंड मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ कि नोटबुक के प्रोजेक्ट में एक विजनरी सलमान सर भी हैं। एंड आई थिंक उन्होंने जैसे कि मेरा एक गाना है इसमें, पलकों पे उस साथ तेरा नाम सजा के, उसमें एक लाइन थी, तेरा हर बनना मेरा एक हिस्सा बन जाना, मेरी ख्वाहिश जो भी सारी पूरी कर जाना, के तुझ बिन नहीं। पहले मैं नीचे जा रहा था, सलमान सर ने बोला इसको आपको ऊपर जाना चाहिए, तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग इट, के तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी मेरा माही। एंड द सॉन्ग वर्क्ड एंड हाउ, और लोगों ने कितना मोहब्बत दिया। तो उनका एक विजन है जिसके इर्द गिर्द काम करने में बहुत मजा आता है। सलमान टाइम के बहुत पंचुअल है हर चीज में जी, जिस पे दिल आ गया जिस पे हाथ पकड़ लिया उसकी किस्मत बदल जाती है। तो आपको कितना बड़ा एक्सपोजर मिला इसका, इससे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मुझे बहुत साल हो गए जानते हुए उनको, तो मैं काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। पहला प्रोजेक्ट जो हमने साथ में किया था, एक मराठी फिल्म थी, वो हमने सबसे पहला गाना उसके लिए उन्होंने गाया था, मैंने और उन्होंने, फिर उसके बाद हमने रेस करी, फिर उसके बाद हमने यमला पगला करी, और ये चौथी फिल्म है। तो हमेशा बहुत मज़ा आती है उनके साथ काम करके, और मैं होप करता हूँ कि मेरे सपने से भी अधिक है ये काम करना, मेरे लिए सपने से अधिक है, और अगर ये हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ होता रहे, और जब तक मेरे अंदर ये आ गए, अच्छा म्यूज़िक बनाते रहो, लोग ऐसे प्यार करते। फिल्म कश्मीर पे है, कश्मीर पंडितों पे है, जो एक सच्ची घटना भी कह सकते हैं इस चीज़ को, कहीं कि गानों में कहीं उर्दू के बढ़िया से ऐसे कुछ डाला गया है। हमारा एक बहुत हमारी कोशिश थी कि फिल्म के गाने सुन के लोगों को लगे कि ये पहाड़ों की बात है, एक ठंड सी महसूस हो लोगों को, और अभी तक चार गाने आए, चारों बहुत प्यार मिला है चारों को, तो आई थिंक वो कोशिश कामयाब हुई है। बहुत नफीस से वर्ड इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि अगर आप सलमान सर वाला गाना ले लें तो, सपनों में मेरे अजनबी धीरे से दाखिल हो कभी, गलियों गलियों तेरा किस्सा आम है, सारे चनारों पे लिखा सारे पहाड़ों पे लिखा, आयत आयत जैसा तेरा नाम है, सपना ये सच कर पाऊँ मेरे ऐसे तो हालात नहीं, सबके जैसा हूँ मुझमें कुछ अलग सी बात नहीं। तो ये जो तरीक़ा है शब्दों का, ये जो शब्दावली का इस्तेमाल है, ये बड़ा ही नफीस है ऑल द सॉन्ग्स एक्चुअली। एंड कोशिश करी 95% ना रखा जाए उसको, 95% रखा जाए, ताकि 5% में एक मैजिक सेटिंग करे। 200 से ज़्यादा म्यूजिशियंस हैं, 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल किया है इसका म्यूज़िक बनाने के लिए, 9 महीने लगे, तो अब जब प्यार मिल रहा है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। पर अनत और जहीर का कहना है कि कश्मीर में हमने बहुत मस्ती की है जी। कश्मीर में शायद ही एक ऐसा सेट है, पहली बार हुआ है कि डल झील में एक हिलता डुलता सेट था, जिसको कहते हैं कि तैरता हुआ, हाँ फ्लोटिंग स्कूल है, और मैं गया नहीं हूँ, लेकिन 9 महीने से वर्चुअली अपने दिमाग में मैं वहीं हूँ, क्योंकि 9 महीने से उस स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, और बड़ा ही ख़ास सा एक्सपीरियंस रहा है। और जिस तरीके का कश्मीर इसमें दिख रहा है, आई डोंट थिंक सो कभी ऐसा कश्मीर दिखा है, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि लोग जाएँ थिएटर में और बस देखें कि हाउ ब्यूटीफुल। इस गाने से क्या उम्मीद है आपको? किस गाने से? जो गाना है इसका, नोटबुक की अगर बात करें, नोटबुक के सारे गाने आ चुके हैं बाहर, बहुत प्यार कर रहे हैं लोग। एक गाना बाकी है जो कि सफ़र है, मोहित चौहान साहब ने गाया है, वो रिलीज़ होगा 22 तारीख को। सलमान सर का गाना कला है, एंड लोग कल 2 घंटे के लिए यूट्यूब क्रैश हो बिकॉज ऑफ द सॉन्ग एंड द व्यूज, और भाई से सब बहुत प्यार करते हैं, एंड आई एम जस्ट होपिंग, बहुत खूबसूरत सा गाना है, हर उस इंसान का गाना है जो कि प्यार करने की ज़रूरत रखता है, और वो कितना ऑर्डिनरी या कितना स्पेशल उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोग गाना देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आई होप कि आगे भी प्यार करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंटली फिल्म को प्यार करेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। ऐसा कौन सा गाना जिसने आपकी पहचान बनाई, एक विशाल मिश्रा बनाया बॉलीवुड में, स्ट्रगल सबका होता है, पहला ऐसा कौन सा गाना? सर अभी तो कोई ऐसा गाना नहीं आया जिसने आपकी पहचान, पहला गाना कौन सा था आपका जो? मैं अभी भी तलाश कर रहा हूँ अपनी पहचान, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इंसान को, अपनी पहचान मिलती नहीं, लेकिन मुझे लगता है पहला गाना जिसने मुझे बहुत खुशी दी थी एज अ आर्टिस्ट, वो था मुन्ना माइकल का मेरा गाना प्यार हो। वो गाना मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि सुनिधि के साथ हमने वो गाना किया प्यार हो। तुमसे ही मिलकर तो दिल धड़कता है, तुम सांसों जैसे हो ऐसा लगता है।
पहली दफा ये होने लगा है, पहले हुआ ना कभी। महसूस दिल में जो भी किया है लफ्जों में कह दूंगी, प्यार हो जब प्यार हो हर बार हो तुमसे। इस तरह का गाना था, आई थिंक इट्स वेरी सैटिस्फाइंग फॉर अ म्यूजिशियन। थैंक यू सर। सर एक गाना नोटबुक का गा दो, पूरा शूट करेंगे एक गाना। खड़े होके चलेगा, बैठ के जैसे आपको कंफर्टेबल है। नहीं लगता जी मेरा।